इंदौर का होलकर स्टेडियम इतिहास बना रहा है और इस इतिहास के शिल्पकार हैं हमारे साथ मौजूद समंदर सिंह चौहान जो कि पिच क्यूरेटर है। समंदर जी स्वागत है हमारे। धन्यवाद समंदर जी। किस तरह से आपने जो इंदौर का विकेट रनों से भरपूर विकेट माना जाता है उसके लिए क्या प्रिपरेशन की थी आपने? नहीं, प्रिपरेशन हमारी अच्छी थी। जो भी रेनी सीजन के बाद डेंसिटी बिल्डिंग का जो था पूरा प्रोग्राम वो हमने किया था। फिर उसके अलावा हमने एक हमारी अंडर 23 टीम का एक 2 डेज मैच भी इस पर खिला के देख लिया था। विकेट अच्छा था, वेल सेटल्ड विकेट है और अच्छा है। अभी इसमें धीरे धीरे थोड़ा सा टर्न मैं सोचता हूँ ऐसा ही कल से होना चालू होगा। अभी भी हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, थोड़ा और अच्छा टर्न होगा तो मुझे लगता है कि इंडिया टीम जीतेगी। चलिए देखिए, पिच क्यूरेटर का कहना है कि भारत ये मैच जीत सकता है और पहले इसमें बरमूडा ग्रास लगाई गई थी, उसके बाद फिर इसको चेंज किया गया मैदान में और काफ़ी कुछ चेंज किया गया। तो वो क्या किया था आपने, काफ़ी उसको खोज के और उन सब चीज़ों को निकाल के फिर नई तरह की ग्रास लगाई थी? नहीं नहीं, इसमें तो ये तो हमारी पुरानी पिच ही अच्छी पिच है। फिर जो हमने रिले की थी, नई जो 3 लेयर वाला कंसेप्ट आया है तो उसके हिसाब से हमने पहले कर चुके थे। अभी तो हमने सिर्फ 2 पिच जो है वो चेंज की है। ये न्यूट्रल वेन्यू का सिस्टम आया रणजी ट्रॉफी में तब से, तो उसके लिए हमने 2 पिच मुंबई से जो सॉइल मंगाई थी, रेड सॉइल, वो डाली है कि हमारी जो घरेलू टीमें एमपी की जो टीमें हैं जूनियर सीनियर सारी, अगर उनको कहीं वेन्यू रेड सॉइल की विकेट पे मिलता है जैसे नॉर्थ वेस्ट जोन में या कहीं और जहाँ रेड सॉइल की पिचेस है तो उनको प्रैक्टिस मिले, उसके लिए किया था। इस पर हमने कोई घास भी पुरानी है और विकेट भी पुरानी है, अच्छी है विकेट हमारी। क्या लगता है जिस तरह से विकेट ने 2 दिनों में अपना स्वरूप दिखाया है, बैटिंग विकेट के तौर पर इंदौर का जाना जाता है और रनों की अच्छी बौछार देखने को मिली है कोहली और अजिंक्य रहाणे से, आखिरी के समय में थोड़ा सा टर्न बॉलों में दिख रहा था, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे बीट भी हुए, उसको लेकर क्या कहते हैं, क्या टर्न होने की संभावना आने वाली है? नहीं, मैं पहले भी जितने भी मेरे इंटरव्यूज हुए हैं जितने भी मैंने सब जगह यही बोला कि सबके लिए कुछ ना कुछ इस विकेट में है। फास्ट बॉलर को शुरू में 1-2 विकेट मिले और कंडीशन वैसी नहीं थी तो नहीं मिल पाए ज़्यादा विकेट उनको, पर बैटिंग अच्छी हुई है और सेकंड दुनिया की कोई भी विकेट तो थोड़ा बैटिंग साइड जाता है। शाम को आके थोड़ा टर्न भी हमको देखने को मिला है और कल मेरा ऐसा मानना है कि शुरू का 1-1.5 घंटे अगर अच्छी धूप निकलती है तो उसके बाद से फिर टर्न भी थोड़ा सा और बढ़ेगा इसमें और काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे अश्विन और जडेजा। देखिए समंदर सिंह चौहान आशान्वित हैं भारत की जीत को लेकर, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आने वाले समय में कल जो मैच होगा उसमें अश्विन और जडेजा इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको क्या लग रहा है कि कल ये विकेट टर्न लेगा वो लंच के बाद ऐसी कोई स्थिति बनती है? हाँ नहीं, निश्चित रूप से अभी थोड़ा बॉल भी नया है, थोड़ा और पुराना होगा, थोड़ा ग्रिप करेगा और टर्न अच्छा मिलेगा। उम्मीद करते हैं समंदर सिंह जी कि भारत जीते और आपने जितनी बढ़िया विकेट बनाई, जितनी अच्छी दर्शकों को यहाँ पर रनों की बौछार देखने मिली, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। तो समंदर सिंह चौहान पिच क्यूरेटर जो आशान्वित हैं कि आने वाले समय में पिच अच्छा बिहेव करेगी और कल पिच लंच के बाद थोड़ा टर्न लेना शुरू करेगी। देखें कल क्या नतीजा निकल कर आता है। फिलहाल इंदौर के होलकर स्टेडियम से सुनील जोशी।